Assalamu alaikum, dear candidates. Hope all of you are fine in high school. Today, we are going to discuss some tips for CSS. Some students are going to appear in CSS 2021 exam, and some of you were might be preparing for the PMS exam. So, this video addresses the concerns of the aspirants of CSS as well as PMS who are going to appear in the exams. There's no need to worry about the pressure of exam. There's no need to worry about how much we have prepared and how much we can prepare for the CSS exam. I will address each and every query in this video. तो स्टूडेंट्स कुछ कुछ कह रहे थे, सर आप हमें बताएं कि हम किस तरह की तैयारी स्टार्ट करें, हम किस तरह के किस सब्जेक्ट को पकड़ें, हम कंपलसरी को किस तरह तैयारी करें, हम ऑप्शनल्स की किस तरह तैयारी करें। देखिए 12 सब्जेक्ट्स हैं, तो 12 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। यू नीड सम टाइम, यू नीड टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, यू नीड टू प्रिपेयर योर कंपलसरी सब्जेक्ट्स, एवरीडे साइंस, इस्लामियात। एवरीडे साइंस का तो अभी जनरल साइंस एबिलिटी का नाम चेंज हो गया है, मैथमेटिक्स में ऐड हुई है। आप उसमें देखें कि उसमें ऑप्शनल्स में हिस्ट्री पोर्शन, लॉ अलग जो सब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे आपने किस तरह प्रिपेयर करने हैं। तो ये जो चीज़ है कि आज हम मैं बताऊंगा आपको, कुछ टिप्स दूंगा कि आपने स्टार्टिंग कैसे ली है रिवीजन की। लेकिन आपने पूरा साल पढ़ा है, आपने पूरे साल तैयारी की है, कुछ कुछ ने अभी तैयारी की होगी, कुछ कुछ ने अभी माइंड बनाया लिया होगा, तो कोई बात नहीं है। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनी सब्जेक्ट। Today I will discuss the compulsory subjects of CSS as well as some optional subjects of CSS, how to revise the subjects, how to remember the facts, and how to appear in the ultimate CSS exam. To start with, देखिए पहले सबसे पहले कि टाइम मैनेज करना है, ठीक है। टाइम मैनेज करना है आपने, सब्जेक्ट्स को आपने इक्वली आपने टाइम देना है। ऐसे नहीं कि आपने अभी देखें आज जो है अभी जो है यू हैव क्रॉस 15th of November, तो 15 नवंबर से आपने देखें आपके पास 1.5 जो है मंथ जो है इसी में रहते हैं। अगले इसमें जो है आपका एक मंथ ऑलमोस्ट यू हैव 2.5 or 2.3 months, तो आपने विद इन दिस शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम सारे के सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स भी तैयार करने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आपने तैयार करने हैं, उसके साथ साथ आपने रिवाइज भी करना है, फैक्ट्स भी रिमेंबर करनी है, और अच्छे से अच्छे आपने प्रेजेंटेशन भी देनी है, और आपने पास भी होना है, और अच्छे से आपने एलोकेशन भी लेनी है इंशाल्लाह। सो आई विल एड्रेस ईच एंड एवरी कंसर्न ऑफ द कैंडिडेट्स इन दिस वीडियो। टू स्टार्ट विद द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, सबसे पहले बात आती है ऐसे की कैंडिडेट्स मोस्टली सब मुझसे पूछते हैं, कॉल करते हैं मुझे, यूट्यूब पे भी मैसेज करते हैं, फेसबुक पे, मेरे पेज पे, तो वो कहते हैं सर हम ऐसे की तैयारी कैसे करें, प्रिसे की तैयारी कैसे करें। तो सब ऐसे की तैयारी आपने कैसे करनी है, देखिए ऐसे जो है आप देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका इस्लामियात है, हिस्ट्री है, तो आपने हिस्ट्री विद इन अ मंथ आपने कंप्लीट कर लिया और आपने आपकी जान छूट गई, पर आपने रिवाइज किया और आप अपीयर हो गए सीएसएस में। लेकिन सेम इज नॉट द केस विद द ऐसे एग्जाम और प्रीसीएस एग्जाम। ऐसे में आपने क्या करना है कि ऐसे में आपने एक दिन डिसाइड करना है, जो आपकी 2-2.5 महीने आपके रह गए हैं सीएसएस एग्जाम में, आपने क्या करना है, वो आपने एक दिन आपने असाइन करना है ऐसे प्रीसी के लिए। कि जब मैं तैयारी करता था तो जब ये दिन रह गए थे तो एक दिन हमारा डिसाइड हुआ होता था, हम 5-6 ग्रुप में हुआ करते थे, तो संडे हम लोगों ने एक असाइन किया हुआ था। तो आपने अपनी जो आपकी जो रूटीन है रूटीन के मुताबिक आपने एक दिन असाइन करना है ऐसे और प्रीसीज के लिए, कि आपने एक ऐसे लिखना है विद इन थ्री आवर्स, आप खुद आप ऐसे असाइन करें, एग्जाम आपको ऐसे फील होगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो आपके जो प्रेशर है इसमें एग्जाम का जो प्रेशर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करें, फिर सेम डे पे आप क्या करें, आप प्रीसीज का पेपर भी हल करें, ठीक है। एक दो घंटे का गैप लेके अगर आप संडे को आपने दिन आपने ऐसे का साइन किया हुआ है तो 9 से 12 बजे तक तो आपने ऐसे को दे दिया, फिर आपने 2-3 घंटे का गैप ले लिया, फिर आपने सेम डे पे प्रीसी भी आपने हल करना है, प्रीसी का पेपर, उसमें प्रीसी कंप्रीहेंशन और आपके इसमें सेंटेंस क्रिएशन, पंक्चुएशन, वो एंड पैराग्राफ के ट्रांसलेशन तक। सो इन दिस वे तो आपने ये आपकी आस्ता आस्ता टिल द एंड ऑफ एग्जाम आप ये इसकी तैयारी कर लोगे। और रिमेंबर कि
आप सोच रहे होंगे कि एंड के जो 15 जो 20 डेज हैं उसमें आप जाहिर सी बात है ऐसे की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर से की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप पे प्रेशर ज़्यादा होगा एग्ज़ाम का। लेकिन लेकिन आपने एक हफ़्ता पहले एग्ज़ाम में एक हफ़्ता बैठने से पहले आपने हर रोज़ सुबह उठ के आपने पहले ऐसे लिखना है, बाद में अपने रिवाइज़ करना है। सपोज़ करते हैं अगले साल अगर पेपर जो है सपोज़ करते हैं 19 फरवरी 18 फरवरी जब भी स्टार्ट होता है, तो उससे आप बाद 10 तारीख से आपने क्या करना है, आपने सुबह उठ के एक ऐसे लिखना है आपने, क्योंकि आप यूज हो जाएंगे, आप लिखने के लिए आप आदि हो जाएंगे, ठीक है। फिर कभी कभी तो ऐसा होगा कि आपने जो 7 डेज में आप प्रैक्टिस की होगी उसी में से आपका ऐसे आता है, आपका आउटलाइन बनाने में आप आसानी हो जाती है ऐसे में, क्योंकि विद इन 3 आवर्स आपने अभी ऐसे आउटलाइन बनानी होती है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है, पूरी होल बॉडी ऑफ द ऐसे टिल द एंड ऑफ कंक्लूजन आपने पूरा पूरा विद इन 3 आवर्स पूरा करना होता है। सो बेस्ट स्टडीज इज दैट कि आपने ये जो स्टडीज आपको बताई संडे की या किसी और दिन की आपने साइन करना है ऐसे प्रोसेस के लिए, विद दैट आपने क्या करना है, उसके साथ साथ आपने एग्जाम से एक हफ्ता पहले बैठने से पहले आपने वो सुबह को उठ के आपने अगर प्रैक्टिस कर साथ तो वेल एंड गुड, ऐसे आपने ज़रूर करना है। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी कि एग्जाम से एक हफ्ता बैठने से पहले मैं हर रोज़ सुबह को उठ के 9 से 12 बजे तक ऐसे रखता था, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू लॉट इन इन योर टाइम मैनेजमेंट इन प्रिपेयरिंग फॉर द सीएसएस और प्रिपेयरिंग फॉर द सीएसएस एसे एंड प्रैक्टिस एग्जाम। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स जनरल साइंस एंड एबिलिटी। तो कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर इतनी फैक्ट्स हैं उसमें साइंस से बुरा तो हमसे याद नहीं होता, तो कुछ कुछ तो कैंडिडेट्स ऐसे करते हैं कि वो जो है अपना उसको एम रख देते हैं, वो कहते हैं कि जब इसको हम लोग याद करते हैं तो जाहिर सी बात है हम उसको एम रखेंगे तो हमें फैक्ट्स भी याद होंगी। दिस इज़ नॉट द केस कि आप अभी से उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। लेकिन आपने ऐसे प्रोसेस के लिए तो आपने एक दिन डिसाइड कर दिया कि आपने हर वीक में एक दिन आपने उनको देना है, उसके साथ आपने किसी सीनियर से अगर आपकी जो इंग्लिश वीक है तो किसी सीनियर से किसी टीचर से आपने क्या करना है, आपने उसको भेजना है। मैं भी ऑनलाइन चेकिंग करता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे नंबर जो नहीं बस में इसमें भी दिया हुआ है कि 0333-213-9278, तो उस पर मेरे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और आप उसके साथ अगर आपके सीनियर्स हैं आप उनसे भी आप लोग चेक करा सकते हैं ऐसे प्रैक्टिस के जो आपने हल करेंगे आप, ठीक है। आपने जो हर संडे को या हर किसी एक दिन वीक में से किसी एक दिन जो आपने असाइन किया हुआ है उसमें करेंगे। फिर आपका आता है जनरल साइंस एबिलिटी कि आपने जनरल साइंस एबिलिटी जो क्वेश्चन है जो पूरा का पूरा आपने सब्जेक्ट जो है आपकी एंड में तैयारी नहीं करनी, आपने अभी से तैयारी पकड़नी है, क्योंकि अब देखें ये नवंबर का मंथ आ गया है तो होपफुली आप लोगों ने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आपने क्या करना है, एक आपने टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि अभी जो आपके 2-2.5 महीने रह गए हैं डिपेंडिंग अपॉन दी योर सब्जेक्ट प्रिपरेशन डेट हाउ यू हैव रिवाइज योर सब्जेक्ट, आपने पहले कितनी तैयारी की हुई, आपने पहले कितना रिवाइज किया हुआ है, उसके नेचर के मुताबिक आपने हर सब्जेक्ट को 4-4, 5-5 दिन आपने एक चार्ट बनाना है कि जनरल साइंस एबिलिटी को मैं 5 दिन दूंगा 4 दिन दूंगा, क्योंकि आपने नोट्स बना लिए आपने जस्ट रिवाइज करना है, रिमेंबर करना है आपने, ठीक है। उसमें फिर आपने आपके करंट अफेयर्स चलता रहेगा पाकिस्तान अफेयर्स और आपका इसमें इस्लामियात आ जाता है। फिर आपके ऑप्शनल्स में कि 5-5 दिन 6-6 दिन आप दे रहे हैं कि एक फरवरी से स्टार्ट होने से पहले आपके सब रिवाइज हों, आपके हर चीज़ फिंगर टिप्स पे हों और आप आसानी से जाके एग्जाम में बैठ जाएं, ये आपने चार्ट बनाना है, ठीक है। अगर आपने आपकी टाइम टेबल के मुताबिक अगर आपने 5 दिन अगर उसको दिए हुए हैं जनरल साइंस एबिलिटी को, तो आपने विद इन 5 डेज क्या करना है, इंक्लूडिंग योर रीडिंग योर न्यूज़पेपर, रिवाइजिंग योर वोकैबुलरी, ठीक है। आपके वो उसके बाद आपने ये रिवाइज करना है, आपने लॉन्ग न्यूज़ पढ़ा कुछ भी पढ़ा आपने 2 बजे 1 बजे आप फारिग हो गए, तो उसके ऑनवर्ड्स आपने रिवाइज करना है इसको जनरल साइंस एबिलिटी को, सारा का सारा आपने रिवाइज करना है, उसके मैप्स को अपने वो करना है, अपने जो जो ईयर का मैप है, नोज का मैप है, एयर पोल्यूशन चार्ट्स वगैरह जो हैं ये आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। कुछ कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो हम लोग 5 लाइनें लिख लें, ऐसी बात नहीं है कि ऑलमोस्ट एक पेज हो 5 मार्क्स अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको, ठीक है। और मैथमेटिक्स एंड में उसको विद इन 5 डेज आप मैथमेटिक्स को भी कवर कर लें, तो फिर जो 5th डे का जो एंड होगा ना उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप खुद उस पेपर में अपीयर होंगे, कोई भी आप पेपर ले लेंगे 2020 का पेपर ले लेंगे किसी से उसका 2019 का पेपर ले लेंगे या 2018 का पेपर ले लेंगे, ठीक है। आपने पेपर देखना नहीं पहले 5 दिन में जब आप रिवाइज करेंगे आपने ये टारगेट सेट करना है कि मुझे इस पेपर में अपीयर होना है, कि 5 डेज में आपने रिवाइज भी कर लिया और एट द एंड आपने उसके पेपर में भी बैठ गए, ठीक है। वो आपने जैसे
पेपर देते हैं सीएसएस का इन डेट शेप, आपने विदिन 3 आवर्स पेपर आपने पूरा करना है। फिर आपने अगर मुझे ऑनलाइन सेंड करना चाह रहे हैं तो आप मुझे ऑनलाइन सेंड कर दें, या किसी सीनियर से चेक करवाना चाह रहे हैं या किसी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उससे आप चेक करवाएं, तो वो आपको चेकिंग करके आपको मार्क्स भी दे देगा, आपको एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट बताएगा कि आपने और अच्छे मार्क्स की पहले कैसे लेने हैं, आपने एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट कहाँ करना है, आपने वो सारी चीज़ें बता देगा। ठीक है, फिर आप क्या बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स देखें, करंट अफेयर्स के लिए आप 5 दिन 6 दिन असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट ऐसा है कि आप जनवरी तक इसको प्रिपेयर करते रहते हो, डॉन न्यूज़ डिफरेंट मैगजीन्स आप पढ़ते रहते हो। आपने क्या करना है करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए, डिसाइडिंग मंथ जो है आपके नवंबर दिसंबर है, नवंबर दिसंबर में और जून से ऑनवर्ड्स इस साल के जून से ऑनवर्ड्स जितने भी इशूज़ हैं आपने लिखने हैं इशूज़, ठीक है, उन इशूज़ को आपने प्रिपेयर करना है। सपोज FATF इशू है, साइन ऑफ इंडियन क्लेश है, और आपका इसमें आपका जो US चाइना ट्रेड वॉर है, आपकी जो US इलेक्शंस हैं, जो बाइडन की फ्यूचर पॉलिसीज हैं, ये इस पर आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो आपके जो नवंबर दिसंबर है आपके ये डिसाइडिंग मंथ है। तो आपने क्या करना है, नवंबर दिसंबर की जैसे ISPR की प्रेस रिव्यू मैगजीन है तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, उसमें डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं, उसमें इस्लामिक कल का सेक्शन बना हुआ है, उसमें IR कल का सेक्शन बना हुआ है, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स सब कल का सेक्शन बना हुआ है। तो आपने उस सब उससे क्या करना है, आपने डिफरेंट इशूज़ को प्रिपेयर करना है, उनमें फ्लैट्स देनी है, उनमें बुक्स नेम देने हैं आपने, ठीक है, वो अच्छे से अच्छे आपने क्वालिटी मटेरियल प्रोड्यूस करना है विद स्मार्ट स्टडी। ठीक है, और आपको लगे कि अभी मैं इस पेपर के लिए मैं तैयार हो गया हूँ, तो आप उस मॉक्स में अपियर हो जाएं, मॉक्स अपने आप खुद मॉक्स लें, आप मॉक्स आप अपियर होके आप वेदर आर यू अपियरिंग इन दिसंबर जनवरी अपने आप से मॉक्स लेके, जैसे हमने आपको जनरल साइंस एबिलिटी के बारे में बताया कि आप उसमें अपियर होके फिर आप वो किसी से चेक करवाएं या मुझे आप ऑनलाइन चेक करें। और अगर आपके इशूज़ कुछ डिस्कस नहीं हुए आपके कवर नहीं हुए अच्छे जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, तो वो जो है इसमें एड मैंने दी हुई है, ये मेरा जो है 5 और 6 दिसंबर को जो है क्रेश कोर्स 10 टॉपिक्स का मेरा जो है इसमें मैं करवा रहा हूँ। दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर लाइकली टू कम इन करंट अफेयर्स पर्सनल अफेयर्स IR एंड अदर एग्जाम्स। ठीक है, तो आपने अगर वो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है तो आपको स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मैं गाइड भी करूंगा, आपकी असेसमेंट भी करूंगा। फिर आपकी बात आ जाती है इसकी पर्सनल अफेयर्स की। पाकिस्तान अफेयर्स में आपने क्या करना है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी आपने ऐसे ही 5 दिन आपने वो करने हैं, आपने 5-6 दिन जो आपने लगाए हुए हैं कि डिसाइड किए हुए हैं 5-6 दिन में आपने इसको रिवाइज करना है। जाहिर सी बात है ये मंथ आ गया है नवंबर, होपफुली आप लोगों को इतनी तैयारी होगी होगी कि आपके सारे के सारे नोट्स बन गए होंगे, अभी आपका रिविजन का फेज चल रहा होगा, अभी आपका मॉक्स में बैठने का फेज चल रहा होगा। तो बेहतर यही है आपने क्या करना है कि पाकिस्तान अफेयर में आपने जो हिस्ट्री पोर्शन और जो आपका पोस्ट पार्टीशन आपका पोर्शन है आपने इनको इक्वली आपने डिवाइड करके आपने प्रिपेयर करना है। देखें आपके जो प्री पार्टीशन का पोर्शन है उसमें रिफॉर्मर्स और आपके जो इसमें इंडियन एक्ट्स और आपके अलीगढ़ मूवमेंट, आपके मुस्लिम लीग खिलाफत मूवमेंट, आपके इसमें 14 पॉइंट्स ऑफ कातिया अजहर, इलाहाबाद एड्रेस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 35 एक्ट जो है इसमें जो है कांग्रेस मिनिस्ट्री 1937 वाली, कैबिनेट मिशन, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू प्रिपेयर, और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द राइट ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान एंड विलिस अलमाय पाक। ठीक है, तो आपने उसको प्रिपेयर करना है। पोस्ट पार्टीशन में आपके जो टॉपिक्स हैं इसमें ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान जो है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आपके इकोनॉमी, आपके पॉपुलेशन, सोशल इश्यूज़, ये सारे के सारे मैं अभी भी इसमें करंट इश्यूज़ में पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे करेंटली, तो आपने खुद भी प्रिपेयर करना है। अगर आपको प्रिपेयर नहीं है तो आप क्वालिटी मटेरियल बनाएं, ठीक है, उसको विद इन 5 डेज रिवाइज करें, आपने रिवाइज करके आप अगर आपने 5-6 दिन का आपने थ्रेशोल्ड बनाया हुआ है, सिक्स डे पे आपने 5-6 दिन पे आपने कोई पेपर उठा के प्रिंट करके आपने एग्जाम हॉल में बैठना है, वो एग्जाम हॉल में कैसे बैठना है खुद आपने फील करना है कि पेपर बैठ के आपने 3 घंटे के अंदर आपने वो पेपर कर देना है पूरा पूरा। फिर आप अगर मुझे सेंड करना चाह रहे हैं मुझे सेंड करें, आप किसी सीनियर को या किसी टीचर को आपने चेक करना तो आप इसे चेक करवाएं। ठीक है, फिर आपकी बात आती है कि आपका साइंस भी हो गया, आपका इसमें इसे हो गया, आपका प्रेसिस आपका हो गया, करंट आपकी जनरल साइंस एबिलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, पर्सनल अफेयर्स हो गया, अब कंपलसरी में लास्ट सब्जेक्ट रहता है आपका इस्लामियात। सेम इज़ द केस ऑफ द इस्लामियात, आपने जो टाइम टेबल बनाया हुआ है आपने जो डेज का डिफरेंट आपने ऐसे आपने मार्क बनाया होगा कि आपने जनवरी तक अपनी सारी डिवीजन ख़त्म करनी है आपने। अगर आपने क्या करना है उसमें कि आपने याद कैसे करना है, इसमें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि आपने याद किस तरह करना है।
आपने फैक्ट्स जो हैं, डिफरेंट कोटेशंस हैं, रेफरेंसेस हैं, डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपने किस तरह याद करने, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको पैटर्न बता दूंगी आपने करना क्या है विद इन द शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, और आपने कैसे पास होना है, आपने कुछ अच्छे अच्छे मार्क्स लेने हैं, और आपने कैसे आपने एलोकेशन अच्छी अच्छी लेनी है। ठीक है, तो क्या है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इस्लामियात में आप उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इसमें ये नहीं देखें शॉर्टकट नहीं मारेगा, किसी भी सब्जेक्ट में शॉर्टकट नहीं मारेगा, आपने कम्प्लीटली आपने इसको करना है कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, दूसरे टॉपिक्स भी आपने कवर करने हैं। आपने जस्ट शॉर्टकट नहीं रखना कि ये टॉपिक्स आते रहते हैं एग्जाम में, ये इस साल आएंगे इस साल नहीं आएंगे, आपने ये शॉर्टकट नहीं मारना है, आपने पूरा सिलेबस जो दिया हुआ है आपने वो कवर करना है। ठीक है, तो आपने इस्लामियात में आपने आयत हदीस, ठीक है, बिलीव्स, वर्शिप, और आपके इसमें हली प्रॉफिट की पर्सनालिटी, पीस बी अपॉन हिम की पर्सनालिटी, और उसमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन तक आपने वो विद इन 4 to 5 days आपने कवर करना है। उसके एग्जाम में भी आपने ऐसे ही बैठना है। ठीक है, आपने एग्जाम में बैठ के तीन एग्जाम मतलब अपने आप सेल्फ मॉक को बता रहे हैं। ठीक है, अपने आप को मॉक लेकर आपने विद इन 3 hours अपने आप से आपने जस्टिस करनी है, वो आपने क्या करना है, फिर आपने अपीयर होके फिर आप उसमें अच्छे से अच्छे आपने प्रेजेंटेशन दे के आपने फिर आप उसमें क्या करेंगे कि पेपर में अपीयर हो जाएंगे। इवन आपके अगर प्रेजेंटेशन में इशू है और आपने रिमेंबरिंग में रिवाइजिंग में आपके इशू है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपने किस तरह याद करना है, किस तरह आपने क्वालिटी मटेरियल प्रोड्यूस करना है, क्वालिटी आपने किस तरह प्रोड्यूस करनी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, फिर आपकी बात आती है ऑप्शन सब्जेक्ट्स की कि जिन जिन लोगों ने IR ऑप्ट किया हुआ है, पोल साइंस ऑप्ट किया हुआ है 200 mark का, तो आपने वो 5 days नहीं हो सकता, पार्ट वन भी है पार्ट टू भी है, तो 5 to 6 days फॉर पार्ट वन, 5 to 6 days फॉर पार्ट टू, आपने उन दोनों को आपने प्रिपेयर करना है आपने। ठीक है, उनको आपने प्रिपेयर करके आपने उन्हीं को मॉक्स में बैठ जाना है, और रिमेंबर आपने क्या करना है, आपने हर क्वेश्चन में थ्योरेटिकल अप्रोचेस आपने डालनी है। दिस इज़ नॉट योर करंट अफेयर सब्जेक्ट, दिस इज़ नॉट योर पर्सनल अफेयर सब्जेक्ट, इट्स योर IR सब्जेक्ट। तो आपने सारे के सारे थ्योरिकल अप्रोचेस, रियलिज्म, आइडियलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, और आपके न्यू लिबरलिज्म, ये सारे के सारे आपने कंस्ट्रक्टिविज्म, फेमिनिज्म, आपने सारे के सारे थ्योरी जहाँ अप्लीकेबल हैं जिस क्वेश्चन में आपने वो, जब आप 3 घंटे का आपने मॉक दे रहे हों 5-6 दिन के बाद, आपने वो उसमें पेपर में इंसर्ट करनी है, आपने अप्लाई करनी है, इसी तरीके से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर आपका आता है लॉ में से आपने कोई सब्जेक्ट उठाया हुआ हो कि लॉ में से आपने जैसे क्रिमिनोलॉजी पढ़ा हुआ हो, तो क्रिमिनोलॉजी भी आपने क्या करना है, अगर आपके नोट्स प्रिपेयर नहीं है, अगर आपने टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं है, विद इन 5 days प्रिपेयर भी करें आप उसको, और आपके उसमें रिवाइज भी कर लें आप उनको। ठीक है, और फिर आप अपने मॉक्स भी दे रहे हैं, फिर ऐसे ही आपका हिस्ट्री का भी आ जाता है, आपके लैंग्वेजेस में भी आपके क्वेश्चन में आ जाता है, ये आपने मार्कअप सेट करना है। इन दिस वे यू विल प्रिपेयर your thesis, you prepare yourself for the thesis 2021 exam। ठीक है, और आपने अच्छे से अच्छे आपने इंशाल्लाह ताला आप मार्क्स भी चलेंगे, और आपको प्रेशर भी नहीं होगा, क्योंकि देखें 12 सब्जेक्ट्स के आप 12 मार्क्स में आप अपीयर हो चुके होंगे। ठीक है, तो आप जब 12 for 12 times if you have taken exam of yourself, so you will not have any pressure of exam, and you will produce qualitative material in your exam, and you will get good marks, you will qualify your written exam, as well as you will get good marks and good education. Thank you very much. तो आपने क्या करना है कि अभी जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमें रिवाइज किस तरह करना है, हमें रिमेंबर फैक्ट्स किस तरह रिमेंबर करनी है, और आपने क्वालिटेटिव मटेरियल कैसे प्रोड्यूस करना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज़ काइंडली आप इसको वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपने इसको बेल दबाएँ, हमको दबाएँ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। Till I get up, time is barely on our side.